हाय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा टैली का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक अकाउंटिंग देखे थे, उसके बाद हमने देखा था टैली कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करते हैं। जिन किसी ने भी ये मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं पहले वाले टैली के, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे टैली में कंपनी क्रिएशन किस तरह से करते हैं, यानी कि नया अकाउंट, कंपनी का नया अकाउंट कैसे ओपन करते हैं टैली में, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल अकाउंट बना सकते हैं। और जो कुछ भी डेली ट्रांजेक्शन होते हैं, सेल्स, परचेस, इन्वेंटरीज, जो कुछ भी होता है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं हमारा टैली। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने हम कहाँ जाते हैं, सर्च बार में, और तो प्रोग्राम का हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने टैली लिखी है और ये ऊपर हमारा टैली एप्लीकेशन आ गया है। हम उसे ऑन करेंगे। देखिए, जैसे ही हम ऑन करेंगे टैली ERB 9 हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे हम टैली 9 ओपन करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन हमें दिखाई देगी। सबसे पहले हम स्क्रीन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो सबसे टॉप पे हमारा कोर्स टाइटल बार, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल एंड अपलोड, तो ये सारी सेटिंग्स हैं, हम एक एक करके आगे देखेंगे अगर हमें। उसके बाद ये जो एरिया है, लेफ्ट साइड का जो एरिया है, यहाँ पर हमारी कंपनी का जो भी कंपनी चालू होगी, स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर उसका इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में ये कंपनी इंफॉर्मेशन है, यहाँ से हम कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। हम सिर्फ आज क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं वो देखना है। उसके बाद नीचे है, यहाँ पर हमें टैली का वर्जन, यानी कौन सा करंट टैली वर्जन हमारा चल रहा है वो दिखाएगा। उसके बाद लाइसेंस सर्विसिंग और हमारा गेट, और यहाँ पर हमारा कैलकुलेटर है। उसके बाद ये लास्ट में स्टेटस बार है। इस ये जो आपको पैनल दिख रहा है, जो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ऐसे दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं अगर हमारी कंपनी सिलेक्ट है। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारी नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम माउस से भी जा सकते हैं, लेकिन माउस से ज़्यादा हम क्या करेंगे, कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो नेविगेशन की से हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, और किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नेविगेशन की से उस पर जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर मतलब हमने उस ऑप्शन को एक्टिव कर दिया, यानी उसके अंदर हम चले जाएंगे। जैसे हम क्रिएट कंपनी पे एंटर करते हैं सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, जिसमें हमें हमारी सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे कि हमारी कंपनी है सपोज XYZ लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पर हमें मेलिंग डिटेल्स देना पड़ेगा, यानी एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर मेलिंग नेम कुछ अलग चाहिएगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज उसे सेव रखें। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा एड्रेस डाल सकते, कंट्री हमेशा हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और फिर स्टेट हम डालेंगे महाराष्ट्र। पिन कोड नंबर अगर आपको डालना है तो हम डाल सकते हैं 400002, और यहाँ पर हमारी कंपनी का फ़ोन नंबर, जो कुछ भी फ़ोन नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो भी डालना है यहाँ पर डाल सकते हैं। वेबसाइट अगर हमारा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर वेबसाइट डाल देंगे। अब यहाँ पर हमारा है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर इंडिया में नॉर्मली क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल रखेंगे, तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम तो भी सेम डेट। उसके बाद यहाँ पर है टेली वॉल्ट पासवर्ड, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड डाल के इस कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि ये कंपनी के डिटेल्स, ये कंपनी का जो भी अकाउंटिंग डिटेल्स है वो कोई और यूज़र देख ना सके, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको पासवर्ड प्रोटेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पर हम पासवर्ड प्रोटेक्शन डाल देंगे, सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमने डाल दिया। और यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हमें करेंसी का इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। सिंबल हमने रुपीज़ इंडियन रुपीज़ डाल दिया है। उसके बाद है फॉर्मल नेम, तो इंडियन रुपीज़ INR सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी कि अगर सपोज टू रुपीज़ 9000 चाहिए या 9000 रुपीज़, यानी कि ये जो रुपीज़ का सिंबल है आपको कहाँ पर रखना है। अगर सफिक्स सिंबल अमाउंट हमने नो किया है, मतलब क्या होगा, रुपीज़ पहले आएगा और अमाउंट बाद में, पर अगर हम यहाँ पर यस कर देते हैं तो क्या होगा, अमाउंट पहले आएगा और सिंबल बाद में। तो हम इसे यहाँ पर नो रखेंगे, हम अपना रेगुलर यूज़ करेंगे रुपीज़ 1000 वॉट एवर द अमाउंट। उसके बाद इट एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो ऑफकोर्स यस रखेंगे ताकि दोनों के बीच में एक डिफॉल्ट स्पेस रहे। उसके बाद शो अमाउंट इन मिलियन, तो हमें मिलियन में शो नहीं करना, क्योंकि इंडिया में हम क्या करते हैं, लाख टर्म अमाउंट शो करते हैं, और बाहर गाँव अगर हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मिलियंस में रख सकते हैं। डेसिमल पॉइंट ऑफकोर्स हम डिफॉल्ट रखेंगे 2, और वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल
तो आपको अगर कोई राउंड फिगर अमाउंट नहीं, जैसे कि 1.40 रुपया, 1.20 रुपया, तो हम पैसा, ये एक डेसिमल पॉइंट के बाद हम उसे वर्ड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो ऑफकोर्स 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे, हमें एक छोटा सा बॉक्स आएगा जहाँ पर हमें कंप्यूटर पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो। अगर हम कैप दबाते ESC जो कॉर्नर बटन उसको दबाते तो वो नो हो जाएगा, ओके। और एंटर दबाते तो वो क्या होगा, यस। हम यस दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। जैसे ही हमने एंटर दबा दिया, जो हमने कंपनी बनाई थी वो अब क्रिएट हो चुकी है। जैसे कि हमने उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ था, इसलिए वो क्या कर रहा है, हमें सिर्फ पासवर्ड मांग रहा है। हम यहाँ पर हमारा पासवर्ड डाल देंगे और पासवर्ड डालने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर। जैसे हम एंटर करते हैं तो देखिए अब हमारी टेली का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया है, करंट पीरियड, यानी कि हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर दिखाएगा 1 अप्रैल 2023 और 31 मार्च 2024। ये हमारा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हो गया। उसके बाद यहाँ पर करंट डेट बताएगा, बिकॉज हमने अभी अभी कंपनी ओपन की है, तो करंट डेट यहाँ पर जब से कंपनी ओपन की है वहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर वाउचर एंट्री पास करते तो उसका करंट डेट वो डेट आएगी। कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड, और अभी तक हमने कोई वाउचर एंट्री नहीं की है, इसलिए यहाँ पर हमारा नो वाउचर एंट्री। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में देखें, यहाँ पर अब कंपनी इन्फॉर्मेशन से बदल कर क्या हो गया, गेटवे ऑफ टैली आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ गए, जैसे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन में अकाउंट वाउचर, इन्वेंटरी वाउचर, यूटिलिटीज़ में इंपोर्ट डाटा एंड बैंकिंग एंड रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक्स एंड रिज रेशियो, डिस्प्ले एंड मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग एंड फूल। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आ गए, ये सारे ऑप्शन हम एक एक करके देखने वाले हैं। और उसके बाद जैसे कि हमने बताया था लास्ट जो स्ट्रीप है ग्रीन कलर की, वहाँ पर भी कुछ ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। F1 सेलेक्ट कंपनी और Alt F4। उसके बाद है डेट, अगर हमें कंपनी का डेट चेंज करना है तो हम F2 प्रेस करेंगे और Alt F2 हम पीरियड चेंज करने कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर करंट पीरियड क्या है, सपोज टू एक कंपनी जो 5 साल से एक्टिव है और हमें प्रीवियस डेटा देखना है, तो हम यहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम मैं आपको आगे बताऊँगा। और कंपनी इन्फॉर्मेशन यानी जो हमारी कंपनी एक्टिव है उस कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशन, ये भी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अगर सपोज टू हमें हमारी जो करंट कंपनी एक्टिव कंपनी है इसमें कुछ चेंजेस करना है, यानी इसका जो डेटा है इसमें कुछ चेंजेस करना है, ईमेल एड्रेस चेंज करना या फिर टेलीफोन नंबर चेंज करना या नाम चेंज करना, कोई भी चीज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें चेंज करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन कंपनी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे Alt F3 प्रेस करेंगे। आइदर आप माउस से क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज Alt F4 क्लिक करेंगे। Alt F4 हमने क्यों किया, क्योंकि F3 के नीचे अंडरस्कोर है, लाइन है, अंडरलाइन है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या होता है Alt F3। जैसे हम Alt F3 में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली ऊपर चला गया, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट विंडो है वो कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब ये कंपनी इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें हमें देखनी है। सिलेक्ट कंपनी मतलब हमें क्या करना है, जैसे हम सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जितनी भी कंपनी हमने इस टैली सॉफ्टवेयर में बनाई है वो सारी यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगी। अब हमारी कंपनी जो है ये है 1000 1 1000 यानी सॉरी 10000 1 4 times 0, ये हमारी कंपनी है। इसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये है पासवर्ड प्रोटेक्ट, ठीक है। तो इसको हम जब एंटर करेंगे तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर एक्टिव है तो हमें पासवर्ड नहीं पूछेगा, लेकिन सपोज टू हमारी कंपनी बंद है, जैसे यहाँ पर देखा एक नेक्स्ट ऑप्शन है शट कंपनी, उस पर हम क्लिक एंटर करते हैं जाकर, तो हमें पूछा जाएगा कौन सी कंपनी हमें बंद करनी है। अगर सपोज टू एक से ज़्यादा कंपनी एक्टिव है तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, या एक से ज़्यादा लिस्ट आ जाएगी। अगर एक ही कंपनी एक्टिव है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, तो हम उसको एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सारा जो इन्फॉर्मेशन था कंपनी का वो सब निकल गया है, एम्प्टी हो चुका है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, सिलेक्ट कंपनी आ गई और शर्ट कंपनी ऑफ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से वो हमारी जो कंपनी उसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी कंपनी हमने इस टैली सॉफ्टवेयर में बनाई है वो सारी यहाँ पर लिस्ट हो जाएगी। अभी हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी का ID क्या है, ठीक है। तो वो ID हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, क्योंकि ये XYZ लिमिटेड जो कंपनी थी वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंपनी थी, हमने उसमें पासवर्ड डाला था, इसलिए हमें टेलीवर्ल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं, जैसे हम पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमारी कंपनी
एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर कंपनी एक्टिव हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कंपनी का मतलब समझ में आएगा, कोई भी कंपनी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। शट कंपनी मतलब शट कंपनी को बंद करना, क्रिएट कंपनी हमने ऑलरेडी बनाया है, क्रिएट कंपनी मतलब नई कंपनी बनाना, और अल्टर। अब ये मेन चीज़ है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें अगर कंपनी के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन चेंजेस करनी, जैसे कि ईमेल एड्रेस है या नाम है या मेलिंग एड्रेस है, तो यहाँ से हम अल्टर पे जाके क्लिक करें। जैसे हम अल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा कंपनी एक्टिव है तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, अगर नहीं है तो हमारा एक्सवाइजेड सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा कंपनी क्रिएशन का फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा, लेकिन इसका नाम होगा कंपनी अल्टरेशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपायर्ड, यहाँ पर हम PVT लिमिट कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिट हमने यहाँ से क्या कर दिया, एक्सपायर्ड प्राइवेट लिमिट, ओके। और यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही चीज़ चेंज की और बाकी सब हमने एंटर एंटर प्रेस करके इग्नोर कर दिया और बाद में उसको एक्सेप्ट कर दिया। अभी हमारी कंपनी यही है, एक्सपायर्ड प्राइवेट लिमिटेड हो चुकी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चेंज टेलीवर्ड मैं आपको बाद में समझाऊंगा, स्प्लिट कंपनी डाटा ये हम आगे देख लेंगे। कंपनी बैकअप एंड रिस्टोर मैं बता देता हूँ अभी। बैकअप मतलब हमें अगर सपोज टू कंपनी का कुछ डेटा, हम घर पे भी काम करना है या फिर हम सपोज टू हॉलीडे के लिए जा रहे हैं और हमें उधर भी काम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बैकअप लेके जाके हम हमारी कंपनी हमारे पर्सनल कंप्यूटर में उसका बैकअप ले सकते हैं, और वहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम होता है, यहाँ से हम ऑफिस का डेटा घर पे लेके जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। रेस्टोर मतलब जो भी हमने वर्क फ्रॉम होम किया है टैली में, हम उसको फिर से बैकअप ले लेंगे और उसके बाद कंपनी में आके उसको रेस्टोर कर देंगे, यानी वो पूरा डेटा क्या हो जाएगा, सैक्रोनाइज हो जाएगा, यानी वो अपडेट हो जाएगा। क्विट यानी कि हम यहाँ से क्विट करेंगे, जैसे हम क्विट क्लिक करेंगे तो एक स्टेप बाहर जाते हैं, पीछे जाते हैं, पर एक स्टेप बाहर जाने के लिए हम कैप भी प्रेस कर सकते हैं, हम पीछे चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम जैसे ही क्विट करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको पहले क्विट कर दें, जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे हम पहले से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आए, तो इस तरह से हम पहली कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टैली क्रिएट कर लीजिए आप। नेक्स्ट लेक्चर से हम टैली के जो बेसिक सेटिंग्स होंगी मैं हम वो देख लेंगे, ओके। जैसे कि ये फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे, ताकि हम जब एंट्री पास करें तो हमें हमारी जो सब सेटिंग्स वो परफेक्ट रहे और उसके हिसाब से हम परफेक्टली एंट्री कर सकें, ठीक है। टैली इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि टैली किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। एक कंपनी बनाएं और रेडी रहें, हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे का जो भी वाउचर एंट्री से वो सारी चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।